आसमान में उड़ने वाले। बड़ा सुंदर भजन है। हो आसमान में उड़ने वाले और धरती को पहचान किसी का रहा नहीं अभिमान, किसी का रहा पधारी मुनि, उनको भी जाना पड़ा, वो भी धरती पर अमर नहीं रह पाए। अरे धन दौलत का मान बुरा है कहते वेद पुराण रे पगला, कहते वेद पुराण। रावण जिसकी लंका पूरी सोने ही सोने की थी, इतना गर्व इतना घमंड था, अंत में क्या मिला उसे? परिणाम ये हुआ, सारी सोने की लंका मिट्टी में मिल गई, वंश भी मिट गया, पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा उसके वंश में। क्यों? क्योंकि गर्व था, इतना घमंड इतना अहंकार था,
जिस अहंकार ने उसे बर्बाद कर दिया। ये अहंकार ही इंसान को बर्बाद कर देता है, ऊंचाइयों से नीचे पर गिरा देता है। तीर्थ मंदिर मंदिर घूमा, किया न इतना ध्यान रे भैया, किया न इतना ध्यान। हमारे तुम्हारे अंदर भगवान बैठा है, अपने अपने अंदर झांक करके देखिए। आजकल के लोगों की आदतें हैं दूसरे की बुराई करना, दूसरे के बारे में गलत सोचना। लेकिन उन लोगों से मैं ये कहना चाहूंगी कि दूसरे की बुराई तो बाद में करो, खुद बुराइयों का भंडार हमारे और आपके अंदर भरा हुआ है। बुराइयों के पिटारा हम स्वयं हैं, इसलिए कभी किसी दूसरे के बारे में गलत सोचना बिल्कुल बंद करो। अरे भाई, खुद को संभालो, खुद को सुधारो। जब खुद सुधरोगे तो दुनिया सुधरेगी। सदा यहाँ नहीं रहना तुझको, रहना है दिन चार रे भैया, रहना है दिन चार। कवि ने बड़ा सुंदर कल्पना की है, इंसान से तू नफरत करता है। अरे भाई, तू भी तो इंसान है, फिर क्यों इतना गर्व इतना घमंड है। अभी समय है शरण में आजा, तज दे तू अभिमान रे भैया, तज दे तू अभिमान। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की आई। ज्यादा इधर उधर की बातों पर गौर न करके सीधे चलेंगे भगवान की कथा की ओर। और भैया निवेदन है।